जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग बार बार पूछ रहे हो, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये बात वायरल हो रही है कि क्या एसएससी कांस्टेबल जीडी में पाकिस्तानियों को भी मिला मौका। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि सरकार की किन बातों से और लेटेस्ट रिलीज किए गए नोटिफिकेशन में कही गई बातों से कैसे ये खबर उठकर आई है और इसके क्या मायने हैं। मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूं कि कहां से किसे पढ़कर युवाओं में यह बात आग की तरफ फैली हुई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे पाकिस्तानी भी हमारे देश की सेना में, हमारे देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस में अपनी सेवा दे सकते हैं, क्या वो मायने हैं, क्या वो माध्यम है। आइए मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज है ना, जो नोटिफिकेशन में रिलीज किया गया है, WPR। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, आगे बताने से पहले, कि रिफ्यूजी होते कौन है। तो दोस्तों, रिफ्यूजी वो होते हैं लाइक अ शरणार्थी है ना। शरणार्थी कौन होते हैं, जो किसी दूसरे देश से हमारे देश में आकर रह रहे हैं एक लंबे समय से, उन्हें हम शरणार्थी कहते हैं। रिफ्यूजी एक मूवी भी है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक बच्चन और सुनील शेट्टी की, जिसमें करीना कपूर लीड रोल पे हैं और अनुपम खेर जी ने भी बहुत शानदार भूमिका निभाई है। इस मूवी को देखने के बाद मुझे लगता है कि रिफ्यूजी का टर्म आपको क्लियर हो जाएगा और ये बात आपको और शानदार तरीके से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको अब बता देता हूं कि WPR यानी कि पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को कैसे इस वैकेंसी में सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है। तो वो मैं आपको बता दूं, क्या कहा गया है, हु हैव सेटल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जी हाँ दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में जो सेटल्ड है वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी, बट हैव नॉट बीन गिवेन द स्टेटस ऑफ सिटीजन्स ऑफ द यूटीज, उनको ये स्टेटस नहीं मिला है। आगे क्या कहा गया है, विल बी रिक्रूटेड, जी हाँ दोस्तों, विल बी रिक्रूटेड विदाउट द कंडीशन ऑफ हैविंग अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूटीज। क्लियर है, हाउ एवर सच कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ नेविटी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट फॉर द WPR एज पर, यानी कि उनको कौन सा सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में सबमिट करना पड़ेगा SSC के समक्ष, वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये वो फॉर्मेट होगा जिसके थ्रू वो SSC कांस्टेबल GD की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नेटिविटी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट फॉर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज। ये वो सर्टिफिकेट है किनके लिए, रिफ्यूजियों के लिए। ऑफिस ऑफ द सरपंच, नंबरदार या नायब तहसीलदार, या उनकी एक फोटो होनी चाहिए। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट फॉर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी रेसिडिंग इन द यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख। क्लियर, अब बाकी आप ये सारा फॉर्मेट देख सकते हैं है ना। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तानी रिफ्यूजी आफ्टर हैविंग माइग्रेटेड। जी हाँ दोस्तों, माइग्रेटेड है ना, माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान ड्यूरिंग द इंडो पाक कंफ्लिक्ट ऑफ 1947 है ना, भारत पाक युद्ध या जो विवाद हुआ था, भारत पाकिस्तान का जो आपसी विवाद हुआ था बंटवारे के समय, उससे रिलेटेड है ये। आप पूरा फॉर्मेट अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जो इस तरह का सर्टिफिकेट SSC के समक्ष प्रस्तुत करने में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, अप्लाई करने के समय सक्षम होंगे, वही SSC कांस्टेबल GD के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप जिस प्रश्न के लिए बहुत बार पूछ रहे थे कि क्या पाकिस्तानियों को भी मौका मिलेगा SSC कांस्टेबल GD में अप्लाई करने का, ये खबर आग की तरह फैली हुई थी, तो अब उस खबर पे मैंने पानी डाल दिया है।
सत्य आपके सामने मैंने उजागर कर दिया है। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।